हेलो फ्रेंड्स, माने में धैमन जैन। आज हम बात करेंगे 100 रुपीज या उससे कम के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी मीन्स मैसेजेस आ रहे हैं कि मीन्स छोटे पेनी स्टॉक्स दिखाइए, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में 500 के अंदर या 100 तक आपको बताऊंगा, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट हो सके। तो सबसे जो पहला स्टॉक है वो है हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है और 57 के रेट पर चल रहा है। इसका जो हाई था वो 102 के करीब है और लो 54, मीन्स अभी लो के ऊपर ही चल रहा है। और इस स्टॉक में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि इनके जो मार्जिनस है वो थोड़े कम थे, लेकिन अभी इन्होंने 300 करोड़ के करीब इनका जो बैड लोन्स था वो रिकवर किया है। और लॉन्ग टर्म का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक कंपनी है हुडको, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करते हैं, और आगे से ये कम ब्याज पर लोन लेते हैं और कम इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। तो इस कंपनी का मार्जिन धीरे धीरे बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया रखते हैं तो काफ़ी अच्छा मीन्स रिटर्न लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक दे सकता है। इसका जो डेप टू इक्विटी रेशियो रहता है, मीन्स ये दूसरे से फाइनेंस लेते हैं तो इनका डेप तो आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन आगे से पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आता है इनको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है इस स्टॉक में। अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेते हैं तो इजीली ये 150, 200, 250 भी जा सकता है, 3 to 5 times। तो एक ये बेहतर कंपनी है। दूसरी कंपनी है मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड एक गोल्ड लोन कंपनी है जो फाइनेंस करती है गोल्ड के ऊपर, और 106 के ऊपर चल रहा है। इसका अगर हाई देखेंगे तो 130 का है, लो 81.5। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अब ये टू व्हीलर फाइनेंस में भी गए हैं, स्मॉल फाइनेंस भी ये करने वाले हैं, एसएमई लोन्स भी देने वाले हैं, तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को ज़रूर होगा। तो ये दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है RHFL, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। ये ADAG ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ये होम फाइनेंसिंग के बिजनेस में है, रिलायंस कैपिटल से डीमर्ज करके आई है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो 115 का हाई लगाकर 53 का लो लगाया है, और अभी ये चल रही है 59.90, लगभग 60 रुपये के करीब। मीन्स अब ये लोअर लेवल्स पर चल रही है, लेकिन अगर इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो काफ़ी बेहतर लगते हैं, काफ़ी अच्छा मीन्स प्रॉफिट है। और इनका आप देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म ने 51% का यहाँ से रिटर्न का भी बताया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया रखते हैं तो धीरे धीरे ये स्टॉक है और ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट होता ही है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, ये प्राइवेट फर्म्स रहते हैं। तो ये एक तीसरा स्टॉक जो है काफ़ी बेहतर लगता है, और इसके बाद है फेडरल बैंक लिमिटेड। ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये केरला में इनका हेडक्वार्टर है, लेकिन अब चल रहा है 86 के ऊपर। इसका जो हाई था 127 और लो 80, मीन्स लो के ऊपर ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, धीरे धीरे ये भी ग्रो कर रही है, और लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया रखते हैं तो ये भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है। अगर एक साल का भी अगर नज़रिया रखते हैं, यहाँ से 110-120 फिर से जा सकता है। तो चौथा ये स्टॉक है, और पांचवा जो है ये है फ्यूचर कंज्यूमर। ये एक किशोर बियानी की कंपनी है जो खुद प्रोडक्ट्स बनाती हैं या आउटसोर्स करके बनवा कर लेती है, और काफ़ी मीन्स FMCG कंपनी है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं ये बनाते हैं, जैसे नमक हो गया, इनके खुद के ब्रांड्स अलग अलग है, चीज़ हो गए, बटर मिल्क हो गए, गेहूँ हो गए, मीन्स बासमती राइस, ये खुद के मीन्स इंस्टेंट मिक्स जो भी रहता है, इडली के डोसे के मीन्स पैकेट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये करती है। और 29.95 का लो है, 79.45 का हाई है, और काफ़ी मीन्स लॉन्ग टर्म का अगर आप नज़रिया रखेंगे तो काफ़ी बेहतर स्टॉक लगता है। और यहाँ से 80-85 का टारगेट ऑलरेडी क्रेडिट सूज ने दे रखा है इस कंपनी के लिए।
तो ये पांच कंपनी के बारे में बताना था जो 100 रुपीज़ या उससे कम है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको भी फ़ायदा हो। और पेनी स्टॉक अगर आप कहेंगे तो ये पेनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ के अंदर हैं, एकदम मीन्स पेनी नहीं है, लेकिन बेहतर कंपनीज है, इसमें ज़्यादा आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा और सब ये जो है लोअर लेवल्स पर चल रहे हैं। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।